कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट की जानिब बढ़ रहा है। आखिर IMF से मुज़ाकरात में ताखीर क्यों है? क्या हुकूमत की तरजीहात और है कि खतरा है पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का। डिफॉल्ट आम आदमी को समझाने के लिए वो होती है कि जब आप अपने कर्जे या लाइबिलिटी जो दुनिया को देने होते हैं, अदम अदायगी उसकी हो जाती है। आप कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। इन दोस्तों में मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं, वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के को लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि अब आने वाले समय में पाकिस्तान लगभग डिफॉल्ट के कगार पे पहुंच चुका है, क्योंकि इस कगार पे पहुंचने में पाकिस्तान के नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। और ये सारे के सारे नेता आज अपनी सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है उसकी तरफ नए ध्यान देते हुए पाकिस्तान की सड़कों पर तांडव कर रहे हैं। इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो पक्ष की जो पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वापस हथियाने के लिए इमरान खान के षड्यंत्रों की तरफ लगी हुई है। जबकि पाकिस्तान एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि अब लगभग डिफॉल्ट के कगार पे खड़ा है। तो आज इस फाइनेंशियल एक्टिविस्ट पाकिस्तान के इस फाइनेंस एक्टिविस्ट और पाकिस्तान की मीडिया ने भी डिस्कशन अब करना शुरू कर दिया कि बहुत जल्द अगर चाइना और IMF से हमें पैसा नहीं मिला तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पहले नहीं आया था, पर ये वाकई बहुत मुश्किल वक्त है। इसके अंदर जो इमरान खान ने भी मेरा जिक्र किया है इस बार कि खतरा है पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का। डिफॉल्ट आम आदमी को समझाने के लिए वो होती है कि जब आप अपने कर्जे या लाइबिलिटीज जो दुनिया को देने होते हैं, अदम अदायगी उसकी हो जाती है। आप कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। तो इसका जो ख़तरा है ये वो कहते हैं रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क जो हमारा जो है अभी जो बढ़ गया है, वो ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने ये फिगर दिया है कि जो 5 साल जो है ना क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप होता है, उनके जी उसका रिस्क जो है ना डिफॉल्ट का हमारे पास 56 से 75% हो गया है। 56% से बढ़ के 75% हो गया है। और जब ये डिफ़ॉल्ट का ख़तरा होता है या खुदा ना खास्ता जब डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर ये होता है कि आपको कोई भी कर्ज़ा नहीं दे, और हम कर्ज़ों पे ही चल रहे हैं, हम कर्ज़ों की अदायगी के लिए मज़ीद कर्ज़े लेते हैं, या तो कोई कर्ज़ा नहीं देता और अगर देता भी है तो इतने महंगे रेट पर देता है कि वो आपको अफोर्ड ही नहीं करते हैं। पहले ही हमारा ये सूरत हाल जो है ये इसकी आज हफीज़ पाशा साहब को मैं सुन रहा था मालिक के प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि इस वजह से भी हमारी ये परसेप्शन बन गई है। एक तो मूडीज जो कि क्रेडिट रेटिंग है, उन्होंने ऑलरेडी हमारा जो है ना माइनस के करीब फिगर कर दिया कि डिफ़ॉल्ट की परसेप्शन हमारी बहुत नेगेटिव पे कर दी है, बुरी कर दी है। उसके बाद से जब इस तरह की दुनिया की बड़ी कंपनियां जो कि जो हर कोई कर्जा देने वाला उनकी तरफ देखता है कि इस कंट्री का रिस्क फैक्टर कितना है, यहाँ पे मैं पैसे लगाऊंगा तो कितना मेरी इन्वेस्टमेंट खतरा है, कर्जा वापस आएगा नहीं आएगा। तो अगर ये सूरत हाल हो कि जनाब ये डिफॉल्ट कर सकते हैं तो वो महंगा हो जाता है। इसके अलावा क्या क्या मसले हैं डिफॉल्ट से जुड़े हुए और इस वक्त हमें क्या खतरात हैं मुआशी, वो उसकी भी थोड़ी रिस्क बता देता हूँ आपको कि इसके अलावा हमारी डेट और लाइबिलिटीज जो कर्जा जात हैं और जो अदायगियाँ हैं वो 62 खरब रुपए हो गया हुआ है। ये एक साल में 12 खरब रुपए की बढ़ावा कह लें आप, बढ़ोतरी हो गई है। ये बढ़ोतरी बेहतर वर्ड है जो है ना, 23% एक साल में इसमें इजाफा हुआ है। उसके बाद ये है कि इसकी वजह से भी हुआ है और इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस भी ये हैं कि IMF ने अपनी मीटिंग जो पहले नवंबर के पहले हफ्ते में करनी थी उन्होंने तीसरे हफ्ते पे ले गए हैं, और गालबन तीसरे हफ्ते में क्योंकि ये इम्कान था कि पाकिस्तान में जो बेयकीनी की वजह है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लगने की, उस पर सिर्फ पूरा पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं बैठी, पूरी दुनिया भी बैठी हुई, IMF भी उस पर बैठी हुई, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब इसका फैसला देख लें, इससे इनकी कितनी सियासी गैर इस्तेहकामी बढ़ेगी जिससे कि इक्तसादी गैर इस्तेहकामी आएगी। तो IMF भी उसका वेट कर रहा है। और IMF को और भी जो मेजर मसले नज़र आ रहे हैं कि ये धड़ाधड़ जो सियासी फैसले करते हुए डायनॉमिक्स जो हैं, हाँ। ये खर्चा किए जा रहे हैं ना, इनको लाया इसलिए गया है कि बाढ़ में जाए, मैक्रो इकोनॉमिक बाढ़ में जाए, ये बड़े फिगर्स जो है, ये फैंसी वर्ड जो कि आप मैं
या इकोनॉमिस्ट जो हैं वो जिक्र करते हैं, उनका ये पॉलिटिकल डिसीजन हो, आम आदमी से रिलेटेड जो है वो लिए जाए। उसकी वजह से फॉर एग्जांपल आईएमएफ के साथ इन्होंने जो वायदा किया है, इन्होंने कहा था कि हम अपना जो फिस्कल डेफिसिट है हमारा खर्चों में और रेवेन्यू के दरमियान में जो डेफिसिट होता है वो 1500 अरब रुपये कम करने थे, वो कम करने की बजाय वो डेफिसिट वो बढ़ गया है। चलिए वजूहात पे बात कर लेते हैं। मैं जरा बता दूं देखने वालों को कि इस वक्त डॉक्टर फरूख सलीम साहब के माहिर मौशी अमूर हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं इकोनॉमी के ऊपर, उनका फायदा उठाते हैं। आमिर साहब उन्हीं से बात करते हैं। नहीं उनको कर लें, मैं जरा क्विकली दो चार फिगर पढ़ दूं, फिर डॉक्टर साहब से इसके मुतालिक ओपिनियन लेते हैं। इनकी बहुत गहरी नजर ये रखते हैं और ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं तो ये बेहतर बता सकेंगे। क्विकली डॉक्टर साहब मैं आपके नॉलेज में होगा मगर आम नाज़रीन को बताते हुए कि एक बहुत बड़ा जो एक्सचेंज रेट का मसला नहीं हल हो रहा कि डॉक्टर साहब बार बार कहते हैं जी मैं 200 रुपए पे जो है डॉलर के मुकाबले में रुपया ले जाऊंगा, वहाँ सूरत हाल है कि 220-22 पे डॉलर है, मगर असल खतरे की बात, खतरनाक बात ये हो रही है कि वो इंटरबैंक मार्केट में ये रेट है मगर बाहर लेने जाएं डॉलर तो या तो मिल नहीं रहा या 230 का, और पेशावर में बताया जा रहा है कि स्मगलिंग हो रही है 240 तक रुपए का मिल रहा है, और भी फिगर्स हैं। मगर क्विकली लास्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो हमारी ऑब्लिगेशन है जो हमने बाहर देनी है वो इस साल के लिए 32 से 34 अरब डॉलर हैं, और जो है उसके अंदर से वो कह रहे हैं कि आपके जो रिजर्व्स को मिलाया जाए और कमिटमेंट्स को निकाल दिया जाएगा जो हमें हुई हैं तो फिर भी 22 से 24 अरब डॉलर चाहिए होंगे, और पहले क्वार्टर के पहले 3 महीने के बड़े इसमें सिर्फ 2 अरब रुपया आया है। तो उसकी वजह से डॉक्टर साहब आप अपने देखें कि हमें कितना खतरात हैं डिफॉल्ट का, और आईएमएफ से सारे उस डील के ऊपर भी डिपेंड करता है उसके ऊपर, और बाकी जो हमारे फाइनेंशियल जो खतरात पे हम गुजर रहे हैं कितने खतरनाक हैं। अमित साहब इतने ढेर सारे सवाल करती हैं, मुझे तो पहला सवाल याद रह गया जी। पहली बात आपने की थी कि डॉलर का जो रेट है, इंटरबैंक का जिक्र किया आपने, ओपन मार्केट का जिक्र किया। देखिए बुनियादी बात यह है कि आजकल की दुनिया में कोई एक शख्स या कोई एक इदारा किसी भी रियासत का वो अपनी करेंसी का रेट जो है वो मुकर्रर नहीं कर सकता। अगर हमारे वजीर खजाना साहब कोई ऐलान कर दें, उनकी कैपेसिटी में नहीं है। देखिए कोई 30 अरब डॉलर की हम एक्सपोर्ट करते हैं, कोई 75-80 बिलियन डॉलर की हम इम्पोर्ट कर लेते हैं, 100 अरब का ये मामला है, कोई 30 अरब की रेमिटेंसेस आती हैं, तो हमारी जो बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात हैं वो कोई 200 अरब डॉलर पे हैं जो आते हैं और जाते हैं। कोई शख्स भी उसके अंदर रुपए की वैल्यू जो है वो अपनी मर्जी से डॉलर के सामने फिक्स नहीं कर सकता, ना ये स्टेट बैंक कर सकता है, ना ये बैंक ऑफ इंग्लैंड कर सकता है, कोई दुनिया का बड़ा जो सेंट्रल बैंक है वो भी ये नहीं कर सकता। ये मार्केट की फोर्सेस ने उसको डिटरमिन करना है, जो जिसको हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो पहली बात तो ये है कि ये कोई शख्स या कोई इदारा ये डिटरमिन नहीं कर सकता कि ये 200 रुपए से नीचे जाएगा, ये मार्केट फोर्सेज ने डिटरमिन करना है। दूसरा आपने जिक्र किया इंटरबैंक का और ओपन मार्केट का। देखिए इस वक्त जो रेट दिखाने को है, जैसे वो हम कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के कुछ और हैं, इस वक्त जो दिखाया जा रहा है, आप मनी चेंजर के पास जाएं उसके पास जो लिखा होता है कि 227 रुपए का डॉलर हम बेच रहे हैं, जब उनसे मांगेंगे तो नहीं देंगे। उनके पास 227 लिखा हुआ जरूर है लेकिन ये बोगस रेट है। आप इंटरबैंक मार्केट में जाते हैं, वो कहते हैं जी कि आज बता रहे हैं कि 222-223 रुपए का हम डॉलर बेच रहे हैं। अगर आप उनको कहेंगे जी बेचे हमने 50,000 डॉलर की एलसी खोल ली, आप हमें दे 50,000 डॉलर, तो कहेंगे हमारे पास नहीं, तो वो भी एक बोगस रेट है। तो ये रेट इस वक्त जितने दिखाए जा रहे हैं, चाहे वो इंटरबैंक में हो या वो ओपन मार्केट के एक्सचेंज मनी चेंजर्स हैं, वो सब बोगस रेट हैं, वो सब दिखाने के हैं। असल बात वही है जो आपने शुरू में कही कि अगर आप मार्केट से डॉलर खरीदने जाएं तो वो आपको 240-241 उससे कम नहीं मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन आपने कितने खरीदने हैं, कितने डॉलर आपको चाहिए। तो रेट तो आसमानों से बातें कर, इस पे बड़ी अच्छी आपने बात की। इसमें मैं आपका ओपिनियन दो चीजों पर ही चाह रहा हूं। दोबारा आपने मेरे लंबा सवाल हो गया था, मैं शॉर्टन करता हूँ। इसमें तो जब इंटरबैंक का इतना 10-10 और 20-20 रुपए का फर्क हो जो कि पेशावर में नजर आ रहा है मार्केट रेट में और इंटरबैंक रेट में, तो फिर इसमें ज़ाहिर है हुंडी और हवाला भी बढ़ता है। लोग कहते हैं कि जनाब मैं बैंक में इतने पैसे मिल रहे हैं बैंक से
और मार्केट से इतना हो तो वो ये तो ये चीज़ एक बहुत बढ़ती है, और उससे भी रेमिटेंसेस भी आपके काम हो जाता है, लिंक्ड होता है। मैं फाइनली आपसे जो असल आना चाह रहा था वो था कि हमारा डिफ़ॉल्ट का कितना ख़तरा है, क्योंकि जो फिगर्स हैं कि हमें 32 से 34 अरब रुपया चाहिए, और इसहाक डार साहब का क्लेम है कि जी उनको $13 बिलियन की कमिटमेंट्स आ गई हैं, हालांकि चीन ने बताया जा रहा है कि मशरूत कर दिया है IMF की डील के साथ, अगर डील होगी तो हम देंगे, मगर वो $13 बिलियन भी आ जाए फिर भी हमें $22 अरब चाहिए है, तो रिस्क फैक्टर, डिफॉल्ट रिस्क फैक्टर जो है, हमें कितना का खतरा है डिफॉल्ट होने का? हमें साहब हमें कोई $22 अरब चाहिए कर्जात की वापसी के लिए, और जो तखमीना लगाया जा रहा है करंट अकाउंट का खतरा कोई 22 अरब का है, तो वो सॉरी 12 अरब का है, जो आपने मिला दोनों को मिला के बताया कि 32 या 33 अरब डॉलर हमें चाहिए होगा अगले 12 महीनों के अंदर। उसमें से मेरी इतलात के मुताबिक तकरीबन 26 से 27 अरब डॉलर जो है वो अरेंज फॉर है, उसमें रोल ओवर्स हैं, वो अरेंज फॉर है। इस वक्त जो गैप आ रहा है, जो ब्रिज करना है, वो 6 से 7 अरब डॉलर का गैप है दोनों के दरमियान में। वो गैप अभी हम पूरा करने में कामयाब नहीं हुए हैं, और उसी के नतीजे में आप ये चीज देख रहे हैं कि हमारा इस वक्त जो आलमी मंडियों में जिसको हम क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप कहते हैं, यानी कि आसान अल्फाज में आप समझ लीजिए कि शरा या इम्कानात क्या है कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट करेगा, वो आपने 75% बताया, वो कल की फिगर है, अगर आप लेटेस्ट फिगर देखें तो वो तकरीबन 80% पे पहुंच चुकी है। तो एक एक दिन में हम देख रहे हैं कि वो 3-3, 4-4% जो है वो बढ़ती चली जा रही है, यानी कि आलमी सरमायाकार जो हैं वो हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि डिफॉल्ट की इम्कानात बड़ी तेजी से जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि हम ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं, इस वक्त जो इस्लामाबाद में बैठे हैं उनका फोकस जो है वो ये नहीं है, उनका फोकस ये है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बनेगा, उनका फोकस ये है कि जी तोशाखाना केस में क्या हुआ, किसने घड़ी चोरी की, कितने की बेची, उनका फोकस ये है कि लॉन्ग मार्च कब